मेरा पति नहीं है तो मेरा बेटा जाता है, और चुनौती स्वीकार करती हूँ कि सब इतना उम्र में भी सो सब जगह देख लेती हैं मोदी सरकार। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। SSI ट्यूब में एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू, हमारे बीच है पटना के मेयर श्रीमती सीता साहू जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत नव वर्ष का बधाई देते हैं, धन्यवाद। मैं बिहार के जनता को और पटना के नगर वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और मैं हार्दिक दिल से उन लोगों को नमन करती हूँ। धन्यवाद मैडम। सबसे प्रथम पहला चुनाव ये आपका जो प्रश्न जो है वो है कि राज्य सरकार ने अभी हाल ही फिलहाल में एक अध्यादेश जारी किए हैं कि अब मेयर और उप मेयर का चुनाव पार्षद द्वारा नहीं अब सीधे जनता करेगी, इस पर क्या आपको कहना है? मैं सरकार के अध्यादेश को उनके निर्णय को मैं स्वागत करती हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जो जनता हम लोग को पार्षद द्वारा चुना गया था उससे ये अच्छा है, जनता चुनेगी मुझे। और पड़ोसी राज्य झारखंड में और उत्तर प्रदेश में वहाँ जनता ही चुनती है उप मेयर और डिप्टी मेयर, महापौर और उप महापौर को। मैं इस सरकार को धन्यवाद देती हूँ। अच्छा, ये बात बताइए क्या कि क्या मेयर चुनाव के लिए फिर से इसी पैटर्न पर चुनाव लड़ेंगी आप? हाँ, मैं भी उम्मीदवार हूँ मेयर की, और मैं सब उस जनता को चुनने का जो निर्णय लिए सरकार, हम इन 5 सालों में जो मेरा काम देखें आप लोगों को, जो कुछ भी अब मेरा प्यार दिखाई दे दिया। अच्छा, ये कई बार ये आरोप लगाया गया है कि ये जितने भी जो वर्क होता है, जितने भी जो कार्य होता है मेयर का, वो मेयर पुत्र जो प्रतिनिधि है वही करते हैं, क्या ऐसा सही बात है क्या? मतलब सब आपके पुत्र ही करते हैं क्या? नहीं, पुत्र जहाँ जिनके प्रतिनिधि नहीं है, पति है तो पति जाते हैं, और मेरा पति नहीं है तो मेरा बेटा जाता है, और मैं निगम को जहाँ भी जाती हूँ मेरा बेटा साथ नहीं हो रहता है, कुछ मुख्य कार्यों के लिए वो साथ रहता है, और मैं ही नगर निगम को देखती हूँ, जो भी होता है पदाधिकारी अधिकारी कमिश्नर नगर आयुक्त सभी को मैं राय देती हूँ कि ऐसा करने से हम लोगों को शहर की उन्नति होगी और शहर में हम लोगों को साफ सफाई और देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत लोग तो आरोप लगाते हैं कि आपका जितने भी कार्य होता है वो आपका मेयर पुत्र यानी कि आपके जो पुत्र है वही करते हैं। ये तो गलत बात है। मंत्री जी भी जाएं, कोई भी पटना में देखेंगे, कहीं भी प्रोग्राम में मैं जाती हूँ तो मैं अकेले ही जाती हूँ, अपने स्टाफ को लेकर जाती हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात। स्मार्ट सिटी के लिए दूरदर्शा के लिए कौन जिम्मेवार है? स्मार्ट सिटी मैं बोल चुकी हूँ, 4.5 साल हुआ है, उस पर एक बुद्ध मार्ग में जो तालाब के सौंदर्यकरण किया गया है और सब DPR बन गए हैं, मंदिरी नाला और बांकीपुर नाला का हम लोग उद्घाटन भी किए हैं डिप्टी CM के साथ, अब जल्द से जल्द काम होगी। और मैं एक ही बात कहती हूँ, जनता तो मेरे साथ ही है, जनता को भी थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा तभी शहर स्मार्ट बनेगी। जनता कह रही कि जिम्मेवार महापौर और उप महापौर ही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नमामि गंगे जो कोड़े हैं वह बुटको जो रोड बनाए हैं, पुल अधी रोड अधी रोड नीचे ऊपर हो गया है, नाला नहीं रोड ऊपर नीचे हो गया है, नाला ऊपर हो गया है, तो पानी की निकास नहीं है, और हम लोग मुख्यमंत्री का जो सपना है नली गली का, उस पर हम लोग जल्द कार्य करेंगे और शहर में और सुंदरता बढ़ाएंगे। मैं रह गई 5 साल और तो मैं शहर को और सुंदर बनाऊंगी, आप लोगों का आशीर्वाद रहे हमारे साथ, यही मैं चाहती हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक बात और है, क्या फैमिली पार्टी मीटिंग या और भी बहुत तरह के कार्य जो है इतने उम्र में के पड़ाव पर भी है आपकी, हमारी उम्र हो गई है, उसके बावजूद भी आप जाते? जहाँ जनता का प्यार मिलता है, बुलाया जाता है तो मैं खुशी खुशी जाती हूँ, हमको अपने काम पर गर्व है, और सब पार्षद लोग भी कहते हैं चाहे प्रोग्राम में गए अकेले ही मैं जाती हूँ, और वो हम लोग को धन्यवाद देते हैं कि आप चाची ही सब कहकर बुलाते हैं कि सब इतना उम्र में भी सो सब जगह देख लेती हैं, कोई भी प्रोग्राम नहीं छूटता है, और रात हो या भी रात हो मैं अपने
जब भगवान है ऊपर तो मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ, सब उन्हीं का किया हुआ है। एक बताओ, इतिहास में नाम दर्ज हो गया है, कोई ऐसा चीज रह गया है बचा हुआ जो आप उसको पूरा करना चाहती हैं? मैं छटपटा के रह जाती हूँ, हमारे अधिकारी पदाधिकारी कोई भी समय पर हम लोगों को काम नहीं करते हैं। काम में जब भी कहती हूँ हाँ कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, इतना दिन में हमको नाली गली बनाना है रोड पर, वो हम लोग कल मीटिंग किए थे इस पर, सब बोला आश्वासन दिया है कि हम एक सप्ताह में सब काम करेंगे और जल्द आपके काम नज़र आएगी जल्द। तो सरकार जमीनी पर काम, हाँ। जी तो सरकार, जमीनी तौर पर एक सप्ताह के बाद काम आपको देखने को मिलेगा। तो सरकार को इस तरह का अवगत करवाती है कि नहीं कि आपका अधिकारी नहीं सुनते हैं? नहीं तो हम ही उनको आदेश देते हैं कि इमरजेंसी की तरह आप, जिस तरह इमरजेंसी है शहर में उसी तरह आप काम पर लग जाइए और इनको सीरियस समझिए, ये मेरा आदेश है। इसके बाद मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी, जो भी काम पर ध्यान नहीं देंगे उनको मैं तत्काल रेस्टिकेट करूंगी। चुनाव अभी तो आना बाकी है पार्षद का और मेयर और उपमेयर का, लेकिन पार्षद जो है अभी से गणना और गणित में उलझे हुए हैं कि इस बार मैं भी मेयर पद पर चुनाव लड़ूंगा, मैं भी उप मेयर पद पर चुनाव लड़ूंगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं इसका स्वागत करती हूँ, सभी सबों को अधिकार है लड़ने का, ये तो सब बार पार्षद लड़ सकते हैं, 75 बार पार्षद है जो लड़ सकते हैं, और मैं खुशी खुशी उनका चुनौती स्वीकार करती हूँ और जो भी कठिनाई आएगी रास्ते में मैं उनको बाधा सब खत्म होता जाएगा। हाँ चलिए, अब एक और बात है कि आपका आदर्श नेता कौन? बिहार में तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और भारत सरकार में हमारे सबसे प्रिय, इतना समय कार्यकाल में ऐसा किसी को प्रधानमंत्री नहीं मिला है, जो बहुत गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, गरीबों को जनता को बहुत उनसे मदद मिला है डायरेक्ट, उनके जो भी जनधन योजना जो चूल्हा वितरण का कन्यादान जो भी है सो डायरेक्ट उनको पैसा लाभार्थी को मिलता है खुद बने। अच्छा एक बात और आ गया मैडम सामने वाली बात आई है कि कचरा शुल्क जो जिस तरह के लिया जा रहा है, तो कचरा शुल्क डोर टू डोर तो अभी कूड़ा उठाने वाला आ नहीं रहा है लेकिन उसको शुल्क लिया जा रहा है, वो मार जो है वो जनता पर पड़ गया और जनता कोस रही है नगर निगम को, इसका क्या मतलब लग रहा है कि शुल्क भी हम दे रहे हैं और उसका फ़ायदा भी नहीं मिल रहा है? मैं गरीबों को तो नहीं लेती हूँ, नगर निगम के द्वारा जो कचरा शुल्क लिया जाता है वो 1 रुपया का है महीना का, और हम लोग उसे होर्डिंग में ही जोड़ दिए हैं, और जो हॉस्पिटल है, होटल है, दुकान है, मैरिज हॉल है, जो जनता को कोचिंग क्लास है जो बंद रहता है उस समय हम लोग नहीं लेती हूँ, जो खुलेगा तो लेना हम लोग अनिवार्य है, तभी इसी से निगम की वृद्धि होगी आय में, सब लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हम खुशी खुशी दें उनको, जो हॉस्पिटल है हम लोग को नहीं मिलता है तो वही हम चाहते हैं कि मन वो लोग खुद दें अपना, हम लोग जो निकला है 500, 1000 सभी सब दें अपना और दे रहे हैं, इसी से नगर निगम की आय होती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए मैडम, अंतिम सवाल है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब जब बिहार दौरे पे आए, किसी भी चाहे वो चुनाव का समय आओ या फिर आम सभा संबोधित, अब तक कितने बार मिल चुके हैं प्रधानमंत्री जी से? करीब 8-10 बार जब भी आते हैं मैं जाती हूँ वहाँ, उनसे मिली हूँ और राज्यपाल से भी मैं मिली हूँ, पहली बार जो उनका था 21 को, मेरा 19 को था, आए ना तो हमको बोले कि सीता साहू आपके कंधा पर भारी बोझ है, उनको इतना याददाश्त तेज है कि मेरा नाम भी उनको न हम अपना परिचय देने के पहले वही बोल दिए। प्रधानमंत्री से मिलते तो क्या संवाद होता है? यही हम कल मैं बोलती हूँ कि आप लोग का आशीर्वाद चाहिए हमको, तो बोले हंसने लगे से ऊपर वाला का आशीर्वाद मिलेगा जरूर आपको। तो ये थे हमारे बीच पटना नगर निगम की पहली प्रथम नागरिक जो होता है पटना का महापौर श्रीमती सीता साहू जी का, कुछ कटीली कुछ चुनिंदा सवालों के साथ में इनसे हम बात किए, इनके बहुत बहुत धन्यवाद। SSIT पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हम आपसे विदा लेते हैं ऐसे ही कुछ जनसंवाद, फिर अगले अंदाज में, बाय बाय।